a इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ of सर्कल circle with मीटर थर्टी फाइव एम एम द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग फाइव डायामी विच डिवाइड द सर्कल इन टू टेन इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं ब्रॉच का मतलब क्या होता है आप ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट प्रोनाशिएशन ब्रॉच है ब्रूच नहीं बोलते हैं ब्रॉच एक्चुअली एक ऑर्नामेंट जैसा होता है जिसको वुमेंस पहनती हैं आप इस पिक्चर में देखिए ये जो लेडी है अपने शोल्डर के पास एक ऑर्नामेंट जैसा कुछ पहनी है इसी को ब्रॉच बोलते हैं इनका शेप कुछ भी हो सकता है पर जो क्वेश्चन में आपको ब्रॉच गिवन है वो सर्कुलर शेप का है जिसका सर्कम और ये जो फाइव डाया आपको दिख रहे हैं वो सिल्वर वायर से बनाया गया है ना आपको दो चीज़ें फाइंड करनी एक एक करके देखते हैं इन द फर्स्ट सेक्शन वी हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इस ब्रॉच को बनाने में टोटल कितने सिल्वर वायर की जरूरत पड़ेगी सिल्वर वायर का लेंथ आपको फाइंड करना है लेट आ सी दोल्यूशन इन द फर्स्ट सेक्शन वी हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड आपको मालूम है सिल्वर वायर कहा यूज किया गया सर्कम को बनाने में और फाइव डायामीटर्स को बनाने में तो आप इसको लिखेंगे इज इक्वल टू सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस फाइव डायामीटर्स नाउ सर्कम फ्रेंस आप कैसे फाइंड करेंगे या तो टू पाई आर से फाइंड कर सकते हैं या पाई डी से इस बार आपको डायामीटर गिवन है इस वजह से हम पाई डी वाला फार्माला यूज़ करेंगे सरकम फ्रेंस पाई डी प्लस फाइव टाइम्स ऑफ डाया वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए पाई के प्लेस पे आप ट्वेंटी टू बाई सेवन ले सकते हैं इनटू डाया आपको गिवन है थर्टी फाइव एम एम इसको एम mm एम में ही छोड़ दीजिए तो आपका जो आंसर है वो भी एम mm एम में आ जाएगा प्लस फाइव टाइम्स ऑफ डाया मीटर अगेन आपका थर्टी फाइव एम एम है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं सेवन फाइव जो होता है थर्टी फाइव ट्वेंटी टू इंटू फाइव होता है 110 प्लस 35 फाइव इंटू फाइव से आपको मिलेगा 175 और इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा 285 और यूनिट क्या होगा मिलीमीटर mm. इसका मतलब टोटल लेंथ जो सिल्वर वायर की यूज करी गई है इस ब्रॉच को बनाने में वो 285 मिलीमीटर है नाउ एक सेक्शन और है आपके पास सेकेंड सेक्शन में आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच एक चीज़ यहाँ पे देखिए यह जो फाइव डाया हैं उन्होंने इस सर्कल को दस इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर दिया मैं आपको बताता हूँ देखिए ये एक सेक्टर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ तो ये जो फाइव डाया मीटर्स है इन्होंने पूरे ब्रॉच को टेन इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया और आपको किसी भी एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है या फिर बोलना चाहिए ईच सेक्टर्स का एरिया फाइंड करना है तो हर एक सेक्टर का एरिया क्या होगा जो पूरा सर्कल का एरिया है उसका वन टेंथ क्योंकि टेन इक्वल फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक वी हैव फाइंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच और वो किसके इक्वल होगा वन टेंथ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ना विच इज़ इक्वल टू वन बाई टेन इन टू सर्कल का एरिया आप पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर एक्चुअली यहाँ पे आपके पास डाया मीटर थर्टी फाइव mm एम एम है तो रेडियस कितना होगा थर्टी फाइव बाई टू विच इज़ इक्वल टू सेवेंटीन पॉइंट फाइव एम एम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ विच एम्प्लाइज दैट वन बाई टेन इन टू पाई के प्लेस पर ट्वेंटी टू बाई सेवन लिख सकते हैं आप और रेडियस आपके पास है सेवनटीन पॉइंट फाइव उसका स्क्वायर कर दीजिए जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं तो आपको मिलेगा 96.25 और यूनिट क्या होगा मिलीमीटर स्क्वायर क्योंकि आपने एरिया फाइंड किया है तो आप अगर चाहें तो फाइनली इसको लिख भी सकते हैं मैं ऊपर लिख रहा हूं सेकेंड पार्ट का आंसर देरफोर एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रॉच इज नाइन्टी सिक्स पॉइंट Two five millimeter square. This completes our solution. Let us see the next question.